शालोम, शलोम शलोम प्रभु युमसी नाश्री के नाम में आज हम आश्चर्यजनक उस हिस्से को जानेंगे जो सच है और जानना जरूरी है इसमें हम आश्चर्य को पहचानेंगे आश्चर्य की वास्तविकता जो आश्चर्य कर्म होते हैं उसके प्रभाव हमारे जीवन में हमारी सोच विचार में किस तरह से हैं और ये जो आश्चर्य कर्म रखे गए क्यों तो आज हम पवित्र आत्मा के द्वारा मरकुस छ अध्याय का देखेंगे वैसे पूरा पवित्र शास्त्र जो है आश्चर्यजनक किताब है सच्चाई की अद्भुत आप उसको कैसा महत्व देते हैं दूसरी किताबों की अपेक्षा जैसे एक परीक्षा की तैयारी करते हैं एग्ज़ाम की तो अपनी उन किताबों के साथ हमारा व्यवहार कैसा होता है कैसा लगाव रहता है क्योंकि हमें पता रहता है कि उसमें लिखी बातें हमें सफलता दिलाएंगी सफलता का लेवल अलग अलग हो सकता है परित्ता तो हम जानते और समझते हैं ये बड़ी सरल और सीधी बातें हैं कि जब हम सफल होना चाहते हैं परीक्षाओं में अपनी एजुकेशन लाइफ में तो कैसे किताबों का महत्व होता है तो यहाँ आत्मा के महत्व का है कि हम बाइबल को उस तरह से उस इच्छा से लेकर चल रहे हैं ऐसा मान रहे हैं क्या तो हर बात जो बाइबल में लिखी है आपको विवश करेगी ये सोचने पर कि वो प्रत्येक शब्द जो कहे गए हैं प्रभु यीशु के द्वारा वैसे संपूर्ण बाइबल पवित्र आत्मा की प्रेरणा से है और कहीं से भी एक भी बात कोई भी गलत साबित नहीं कर सका करने की बहुत सारी कोशिशें की समयों को लेकर बहुत सी ऐसी बातें कही गईं जो यहाँ पर इतना समय क्यों बताऊंगा मैं आने वाले समय में पर अपने आप को तैयार तो करें बाइबिल के साथ होने के लिए तो हम शुरू करते हैं मरकस छः उसका पैंतालीस तब उसने तुरंत अपने चेलों को नाव पर चढ़ने के लिए विवश किया कि वे उससे पहले उस पार बैत सदा को चले जाएं जब तक कि वह लोगों को विदा करे इसको हम साधारण तरीके से पढ़ के निकल जाते हैं यहां प्रभु यीशु विवश कर रहे हैं चेलों को विवश करना क्या होता है जबरदस्ती करना अलग अलग हो सकता है मतलब पर यहां तो प्रभु यीशु कर रहे हैं और जल्दी से नाव पे चढ़ जाओ और बैत सजा पहुंचो ये साफ साफ निर्देश हैं तो प्रश्न होना चाहिए विवश क्यों कर रहे हैं क्या बात है तो पवित्र शास्त्र जो हमें बताना चाहता है वचन हमें जो बताना चाहता है कि ये हमें पता चले इतना साफ साफ नहीं तो एक साधारण तरीका रहता बोल देते कि चलो नाव पे बैठो और जाओ ये कितना महत्वपूर्ण हो गया उस भाषा के कि यहाँ प्रभु ईश्व विवश कर रहे हैं यहाँ दोष लगाया जा रहा है क्या बिल्कुल नहीं इन बातों को अगर हम धीरे धीरे देखते समझते चलें तो थोड़ा सा पहले चलें कि अभी अभी प्रभु ईशु ने अपनी पांच रोटी और दो मछली से पाँच हजार लोगों को भोजन कराया है रोटी खिलाई है आशीष का ऐसा अद्भुत आश्चर्य कर्म कभी नहीं हुआ बाइबल में ऐसे आश्चर्य कर्म बताए गए हैं पर जो हमारा उद्धारकर्ता मसीहा है हम उसकी बात कर रहे हैं जो परमेश्वर का पुत्र बनकर हमारे बीच में डेरा करा मनुष्य बनकर स्वयं परमेश्वर ये बात हमको अपने जहन में रख लेनी चाहिए कि स्वर्ग में वो परमेश्वर है यहाँ मनुष्य का पुत्र बनकर हमारे लिए बलिदान हुआ वो वध किया हुआ मेमना है नाव पर चढ़ने के लिए विवश करना हम इसको धीरे धीरे आगे चलते जाएंगे तो ऐसे आश्चर्यजनक बहुत सी बातें हैं जो हमें सिखाते जाएंगी समझाते जाएंगी उन्हें विदा करके वह पहाड़ पर प्रार्थना करने को गया जब सांझ हुई तो नाव झील के बीच में थी वह अकेला भूमि पर था जब उसने देखा कि वे खेते खेते घबरा गए हैं क्योंकि हवा उनके विरुद्ध थी तो रात के चौथे पहर के निकट वह झील पर चलते हुए उनके पास आया और उनसे आगे निकल जाना चाहता था ये याद रखिए है, है ना आगे निकल जाना चाहते थे प्रभु यीशु उनसे और ये चौथे पहर को याद रखिए और सांझ की बात है कि विदा करा जा रहा है सबको ये समय अंतरालों को समझें परंतु उन्होंने उसे झील पर चलते देखकर समझा कि भूत है और चिल्ला उठे क्योंकि सब उसे देखकर घबरा गए थे पर उसने तुरंत उनसे बातें की और कहा धाड़स बांधो मैं हूँ डरो मत तब वह उनके पास नाव पर आया और हवा थम गई और वे बहुत ही आश्चर्य करने लगे वे उन रोटियों के विषय में ना समझे थे क्योंकि उनके मन कठोर हो गए थे हम यहीं तक इस बात को रखेंगे और अब वहाँ से हम समझना शुरू करते हैं प्रभु यीशु ने अपने लिए प्रार्थना का एक जो समय निश्चित किया था वो प्रार्थना करने चले गए लोगों को विदा करके और वो सांझ के समय की बात थी पर जब वो ज़मीन पे खड़े थे वो ज़मीन पे खड़े हैं देखिए चेले नाव पर हैं पानी में हैं और वचन बता रहा है कि झील के बीच में है झील का बीच कैसे मानेंगे हम सेंटर और खेते खेते वो थक गए हैं ये समय इतना हो गया है और चौथे पहर चौथे पहर प्रभु यीशु उनसे आगे निकल जाना चाह रहे हैं क्यों आगे निकल जाना चाह रहे हैं और जब चेले ये देखते हैं तो डर जाते हैं कि उस अंधेरे में वो पहचान नहीं पाते और पानी पे कौन चलेगा कहने का मतलब हर समय प्रभु की दृष्टि हम पर है हम उस वचन की नाव में हैं जिसमें हमें यह समझना है जैसे हम विवश को समझ रहे हैं बाइबल में कहा गया है सत्य के वचन का इस्तेमाल करना हमें आना चाहिए प्रभु ईशु निश्चित हमारे साथ हैं हम अलग हुए हैं प्रभु ईशु जमीन में है चेलों को जाने के लिए कह रहे हैं ज़मीन में खड़े थे प्रभु ईशु और देख रहे हैं हमारी जो स्थिति है प्रभु ईशु के साथ वो कैसी है वचन के साथ कैसी है हम जिस नाव में हैं और जो हमको चप्पू मिले हैं पतवार मिली है वो कैसी है संसार के विरुद्ध में उन हवाओं के विरुद्ध में जो बढ़ने देने से रोकती हैं हर वो बात जो हमें आत्मिक उन्नति करने से रोकती है वो कौन सी बात है तो एक लाइन लिखी हुई है मन कठोर हो गए हैं मन हमारे कठोर हो गए हैं क्योंकि उन आज वो रोटी को भूल गए लिखा हुआ है आप अच्छे से ध्यान दीजिए रोटी वचन है और वचन में तमाम आशीषें हैं बहुतायत है वचन ही पतवार है और वो कठोरता के कारण भूल गए हैं और भूल क्यों गए क्योंकि आश्चर्य कर्मों का उन चमत्कारों का हमारे जीवन में प्रभाव नहीं है वो सिर्फ थोड़ी देर के उत्साह के लिए आनंदित होने के लिए या कहने के लिए मात्र रह गया है कि सिर्फ हम कह पा रहे हैं उससे प्रभावित नहीं है तो हम क्रूज की तरफ चलते हैं वो आश्चर्य कर्म जो प्रभु यीशु ने कहे मृत्यु पर जयवंत हुए तीसरे दिन जी उठे और साफ बोले मुझे अपना प्राण देने का और लेने का भी अधिकार है मैं हूँ डरो मत ये बार बार जो आता है तो उसका प्रभाव सचमुच में हमारे अंदर बना रहता है हाँ बिल्कुल हम मसीह कहलाते हैं हम कहते हैं कि हम उद्धार पाए हैं तो जिस बात से हम उद्धार पाए हैं उस बलिदान से वो वध किए हुए मेमने के द्वारा उसके अस्तित्व को हम कैसे ले रहे हैं वो देख रहा है वो हमारे को देख रहा है और आगे निकलना चाहता है आगे क्यों निकलना चाहता है कि हम भी आगे निकले और आगे निकलने के लिए वो हमारे पास आता है जब हम इस तरह के प्रयास करके थक जाते हैं जो संसार के प्रयास हैं विपरीत वचन पर विश्वास नहीं करके हम उन कामों पर परिश्रम नहीं करना चाहते हमारा परिश्रम व्यर्थ होता है वो शारीरिक परिश्रम है प्रभु ईश्वर के वचन पर विश्वास किया गया और उस पर परिश्रम किया गया तो निश्चित वो देधारी होगा वचन आकार लेगा अनुग्रह के द्वारा ये कठिन बातें नहीं हैं पर वो नमन नम्रता और दीनता ना होने के कारण जिनके हृदय कठोर हो गए देखिए कितना समय लगा मुश्किल से तीन चार घंटे लगे होंगे शाम तक रोटी खाए हुए मछली खाए हुए और उतनी बड़ी बात भूल गए उसकी चर्चा तो नहीं हो रही है यहाँ जो मुख्य बात है चेलों के बीच में होनी चाहिए उस पर कोई प्रतिक्रिया यहाँ पर नहीं बताई गई है सिर्फ एक बात बताई गई कि वो भूल गए अर्थात उस काम की स्तुति महिमा करे क्या बड़ाई प्रशंसा करे क्या वो उतना बड़ा काम हुआ और वो भूल गए और लगे हैं चप्पू चलाने में हवा विरुद्ध है सोचिए अगर वो बात याद रहती जो उन्होंने आँखों से देखा लोगों को बाँटा और टोकरियाँ बज गईं वो बात याद रहती तो वो हवाएँ थका सकती थी क्या जब इंसान इतनी इस तरह से उस सच्चाई को कबूल करके गदगद हो जाते हैं लोग हमारे जीवन में जो असंभव सा काम है वो जब पूरा होता है तो हम आश्चर्यचकित होकर कितने खुश होते हैं उसका महत्व लगने लगता है कि ये तो संभव ही नहीं था और देखो ऐसा हो गया अब मैं ऐसा कर सकता हूँ बिल्कुल इसी बात को इसी तरह हम अपने आत्मिक जीवन में क्यों नहीं रख सकते और वो वजह साफ साफ है कि वो मन की कठोरता वो बातें भुला देती है और हम शारीरिक प्रयास करते हैं अपने उपाय करते हैं अगर प्रभु यीशु बोल रहे हैं तुरंत करो नाव में बैठो विवश कर रहे हैं तो आना कानी की जा रही है नहीं तू हमारे साथ हो ले कुछ भी हो सकता है हम तेरे भी घर नहीं जाएंगे कुछ भी हो सकता है निर्देशों का आदेशों का पालन नहीं करना यही तो हुआ बहुत सरल तरीके से जब हम ये जान रहे हैं तो प्रभु यीशु की बात को महत्व नहीं देना अपनी मनमानी करना और प्रभु आगे बढ़ाना चाहते हैं आगे निकल जाने का बात क्या है कि ये भी आगे बढ़ें और व्यर्थ का संसार का शारीरिक प्रयास करके अपने आप को थका लेते हैं शरीर पूरी तरह अपना बल पूरा लगा लेते हैं और क्योंकि वचन की नाव में नहीं है वचन के पतवार नहीं है बोलते हैं इफिसियों छे का उद्धार का टोप धार्मिकता की झिलम सच्चाई से कमर कसी हो पैर में जूते हो सुसमाचार के सुहाने हाथ में ढाल और तलवार बिल्कुल बोलते हैं तो एक योद्धा का स्वरूप बन पाता है कि अपने आप में आत्मिक योद्धा का आज जो हम इस बात को पवित्र आत्मा के द्वारा आप सुन रहे हैं और देख रहे हैं वो उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही मतलब है कि बाइबिल जब हम पढ़ते हैं पवित्र शास्त्र तो वो शब्द का महत्व हमारे जहन में हमारे विवेक में हमारी सोच में कैसा है अगर इसमें कमी आ रही है हमें नहीं आ रहा समझ में तो निश्चित एक बात तो है कि कठोरता है पर दूसरी बात भी है ईशु के नाम में पवित्र आत्मा की मदद तो वहाँ शांत होना भी नहीं आता है अगर वहाँ शांत होकर इच्छा रखेंगे कि ये इसका मुझे जवाब मिले मैं ये जानना चाहूँ मैं अपनी उत्सुकता मेरी दिखनी चाहिए भूख और प्यास जैसा शब्द हम बार बार बोलते हैं ना भूख और प्यास अगर वचन की है तो उसमें परिश्रम कैसा है पिता पुत्र पवित्र आत्मा के साथ हम निर्बल हैं मैं मान लेता हूं वचन ये हमें शिक्षा देता है पर उसके साथ जब वो बोल रहा है आज्ञा दे रहा है हमें बता रहा है विवश कर रहा है उसके बाद भी अगर हम नकारा बनकर आलस ओढ़ लेते हैं आलस के अनुसार कर लेते हैं कि बाद में करेंगे हमारा कैसा एटीट्यूट है कैसे संबंध है पिता पुत्र पवित्र आत्मा से हम क्या व्यवहार करते हैं ये हमें अपने खुद को सोचना है और इसमें घबराने या डरने की बात नहीं है निश्चित ये वचन हमें पूरी तरह से सचेत करने के लिए है कि इस तरह से होता है और जब ऐसा होता है तो प्रभु यीशु उनके साथ नाव में आए और तमाम बातें खत्म हो गई तो विवश वो शब्द है जिसे बहुत अच्छे से अपने जीवन में कितना आश्चर्यजनक शब्द आश्चर्यकर्म है ये हाँ ये, हाँ, ये आनंदित इसमें हो ये कठिन नहीं है पर जब हम इतनी ये प्रेम है हमारा अगर हम इस रीति से परमेश्वर के वचन को दृष्टि निश्चित पवित्र आत्मा कराते हैं पवित्र आत्मा के बिना हम देख नहीं सकते न समझ सकते हम अंदाजों से पढ़ लिख के सुनी सुनाई बातों पर बहुत सारा लेक्चर और दुनिया भर का कर सकते हैं पर सामने जब पवित्र शास्त्र हमारे आज के लिए जो वचन परमेश्वर की इच्छा क्या है और वो अगर हम ये बहुत ही नम्रता और दीनता से उसको स्वीकार करके उस दिन का कार्य करते हैं उसके साथ तो वो दिवस क्यों करेगा वो साथ में रहेगा जब हम अलग होते हैं, अपनी संसार में आते प्रभु यीशु से अलग हुए ना प्रभु यीशु जमीन पे थे वो नाव में बैठे वो अलग होना है ना और अलग होके करना क्या था और कर रहे क्या थे जहाँ परमेश्वर की महिमा करने की बात थी उस अद्भुत आश्चर्य कर्म की बात करने की थी वहाँ वो अपना प्रयास और वो हवा विरुद्ध में है इसको लेकर ताना बन क्या कर रहे थे वो बीच में ही पहुँचे थे झील के बीच में पहुँचे थे गलील की झील है ना, उसके बीच में है आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं प्रभु यीशु बीच में खड़ा कर देते हैं बाइबल में लिखे हैं जैसे सब और जैसे जैसे हम इन बातों पर दृष्टि करेंगे पवित्र आत्मा ध्यान दिलाएंगे, आत्मा आनंद से भरता जाएगा वो आनंद जो वचन का है वो वचन का स्वभाव पूरा उसकी शक्ति से भरेंगे आप उसके सौंदर्य से भरेंगे उसके प्रेम से भरेंगे भरना बोलते हैं ना उसकी विजय से भर जाएंगे उसकी तमाम संप्रभुता अपने जीवन में आप ले लेंगे और सचमुच में उसकी नींव कहलाएंगे और ये विजय रहेगी क्योंकि हमारे जीवन में विजय रखी हो तभी तो हम विजय का प्रयास विजय के बारे में जानेंगे समझेंगे लड़ाइयों में युद्ध में हम जब कहते हैं कि हम आदि से यीशु के साथ थे हम उसी के साथ मारे गाड़े गए और जीवित हो गए हैं ये हम मानते हैं तो जीवित काम में कठोरता नहीं है नम्रता और दीनता ईशु की शोभा है और वो प्रभु ईशु अगर हमारे जीवन में है तो वो शोभा हमारे जीवन से प्रकट होगी और जो कहे गए वचन हैं वो अपने आप में सुसमाचार और सामर्थ्य रखेंगे ये ये बातें बहुत लोगों को बदलेगी कि बाइबिल कैसे पढ़ना पवित्र आत्मा के द्वारा आप निरंतर उस बात पर आगे बढ़ेंगे और थकेंगे भी नहीं कई लोग बाइबिल पढ़ते हैं तो नींद आने लगती जमाई आने लगती है शिकायत करते हैं हम बाइबिल नहीं पढ़ पाते क्यों इन सब बातों का जवाब आपको मिलते जा रहा है कि जब बाइबिल कहती है परमेश्वर ने कहा है मिस्र के छुड़ाए हुए वो सात विपत्तियों को याद दिलाते हुए कि वो आश्चर्यजनक बड़े बड़े कामों को ध्यान करो याद करो वो किस लिए है कि उसकी महिमा स्तुति हमारे अस्तित्व में सच्चाई से ऊँठों के द्वारा निकले कि हाँ तू इतना महान है तेरे महाकर्म कितने अद्भुत हैं कितने भयानक हैं तेरी वाणी कितनी अद्भुत है वो संपूर्ण शक्ति है संपूर्ण सौंदर्य है वो संपूर्ण प्रेम है वो कितना विशाल है वो बलिदान से हम देख सकते हैं पर यहाँ हमें नाव में रहना है जैसे हम हैं और वचन की पतवार के द्वारा बढ़ना है और पवित्र शास्त्र हमारे साथ है पवित्र आत्मा हमारे साथ है हमें चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है पर मैं बार बार इसीलिए कह रहा हूँ कि पढ़ते समय इस बात का ध्यान रखें कि वो शब्द खासकर जब प्रभु ईशु कुछ कह रहे हैं कुछ बता रहे हैं कुछ समझा रहे हैं और जो चाहते हैं वचन अर्थात प्रभु यीशु वो हम करें और देखिए ये सारी चीज़ों से तमाम रुकावट परेशानी कठिनाइयों से छुटकारा होगा वो आश्चर्य कर्म अपने जीवन में देखिए और शांत होकर जब इस शिक्षा से रखेंगे ईश्वर के नाम में इस बात की समझ से स्वीकार करते हुए कि मेरी मन की कठोरता है कि मैं रोटी को भूल गया यहाँ यही लिखा है तो एक तैयारी करिए और उसके तमाम कामों पर ध्यान करिए और उसका महत्व समझिए परीक्षा के लिए मैंने समझा दिया जैसे उत्तीर्ण होने के लिए अपनी किताबों से कितना लगाव रहता है और उसको उसकी एक एक चीज याद रखना चाहते हैं तो संसार का ये अद्भुत आश्चर्यजनक किताब जिसमें सब कुछ है हर बात है संसार में होने वाली हुई और होंगी सारा कुछ इसी में है पूरी रचना है सृष्टि की रचना पवित्र शास्त्र में है तो अगर हम उन शब्दों को बीज बना लेते हैं अपने जीवन में तो निश्चित उस बात का तो पेड़ लगेगा ही एक शानदार हम उसके राज्य हैं पवित्र आत्मा का मंदिर है उसका भवन है हम यरूशलेम हैं तो एक सुंदर यरूशलेम वचन के द्वारा बनेगी और यरूशलेम का मतलब है जहाँ शांति का उपाय हुआ है ईरे शांति का मतलब तमाम भरपूरी आशीषों की हर बात को दूर आनंद में हमने समझे हैं कि आनंद कितना खतरनाक हथियार है दुष्ट के लिए और हमारे लिए इतना शानदार है कि हमारे जीवन से वो तमाम बुराइयाँ और मन की और भाषा और शब्द बदल जाएंगे आनंद बदल देता है मन की बुराइयाँ क्रोध और गंदे गंदे शब्द इसीलिए कहा गया है ना मीठे और खारे पानी का और जबान के लिए तो ये सब बातें समाप्त होंगी कठोरता समाप्त होगी तो और कठोरता समाप्त होने के लिए ये पूरा एक दृश्य मैंने आपके सामने रखा है जो निश्चित बहुत लोगों के लिए ये सच्चाई का वचन ये है आश्चर्य कर्म जीवन बदल जाना नया होना आश्चर्य कर्म कि आपका चलना फिरना उठना बैठना बोलना बताना लोगों को आश्चर्यचकित करे और जब तक आपके जीवन के साथ ये नहीं जुड़ा होगा कैसी महिमा और स्तुति और बड़ाई कर रहे हैं हमारे जीवन के द्वारा लोग आश्चर्यचकित होने चाहिए कहलाने वाले हम मसीह कि हाँ ये मसीह है ए? मुझे पूरा आशा भरोसा मेरी उम्मीद साफ साफ आपके सामने रखी है बड़ी स्पष्ट रखी है जब ये मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो इतनी आसानी से होता होगा ये पूरे पूरे प्रहार शैतान पर है ना वो किस तरह से रोकने के लिए नाना प्रकार के सांसारिक उपाय करता होगा कि मैं बीच में विचलित हूं डिस्टर्ब हूं बिल्कुल वो करता होगा पर मैं ईशु के साथ पवित्र आत्मा के साथ ये गांठ बांध ली है कि मैं कुछ भी नहीं हूं तो मुझसे करा मुझ निर्बल से करा जो मैं कुछ नहीं जानता पर दुष्ट शर्मिंदा हो संसार के लिए संसार में दिखाने के लिए नम्र दीन और ये बनना जो भावनाओं का है और हो सकता है बड़ा लुभावना हो लगता भी है लुभानी वाली बातें शरीर को बड़ी पसंद आती हैं पर आप इस बात पर ध्यान रखिए और इस बात की और भी समझ आपको मिलते जाएगी और निरंतर और निरंतर देखिए आप आगे बढ़ेंगे इसमें ऐसी बातों में कोई कठिनाई आती है तो निश्चित हम प्रार्थनाओं में इन बातों को साथ मिलके जो सुबह सात बजे और शाम सात बजे हैं हम उस अभिषेक में रहकर जो उसने दे दिया है जैसे उसने अपना लहू दे दिया है सब कुछ दे दिया सब कुछ कुछ भी बाकी नहीं रखा अपना बेटा तक दे दिया पूरा वचन दे दिया और वो सामर्थ्य वचन जो सृष्टि रचना का है और हर बात को समझा जाने और पहचानने का है मैं समझता हूँ कि आप पहचान गए होंगे इस बात को और एक नई शुरुआत करिए हमेशा नई शुरुआत हमारे सामने रखी हुई है और छुटकारा पा लीजिए चाहे कितनी कमजोरी हो चाहे कितनी लाचारी हो सब कुछ विरोध में हो संसार की तमाम बातें विरोध में मेरे तो हैं पर हूँ ना मैं आपके सामने और पूरी सच्चाई से तो इसका कोई फर्क नहीं पड़ना है वो हमेशा हमारी रक्षा करेगा उसका अनुग्रह काफ़ी है और डेफिनेटली ये मान लीजिए कि हम उसकी धार्मिकता में हैं परमेश्वर का बीज वचन हमारे जीवन में हैं पाप हमारे आसपास पास फटक ही नहीं सकते शैतानियत और मृत्यु और वह अंधकार का घिनौना स्वरूप हमारे आसपास नहीं हो सकता अगर पूरा छुटकारा तो बाइबिल मर पूरा ध्यान दें वचन पर और उसे ये जो सच्चे और आश्चर्यजनक वचन है इसे अपना हथियार बनाए इस पर प्रतीति कर लें क्योंकि ये पूरा पवित्र शास्त्र हमेशा वो घटनाक्रम को पूरा कर रहा है जो बोल दिया गया है लगातार शुरू से और हमेशा होगा तो हर बात की चिंता और परेशानी खत्म हो जाएगी संसार का भय खत्म हो जाएगा परमेश्वर के भय का आनंद उसकी बुद्धि उसका ज्ञान का प्रकाश निश्चित आप पर उदय होगा यशया या साठ जो कहता है यशया या बासठ जो कहता है मेरे बड़ा पसंदीदा है कि हम जो उद्धार पाए हुए हैं जलती मसाल की तरह दिखाई दें और कब जब हम इन सच्चाइयों के साथ जो बड़ी अति सरल है कठोरता का कोई स्थान नहीं और जबकि हमें मांस का हृदय दे दिया गया है रखें दूसरी चीज़ें तो घमंडी और पता नहीं क्या क्या बना देंगी बहुत सारी चीज़ें हैं उस पर बात करने की जगह ज़्यादा अच्छा है कि यीशु के साथ उसके साथ उसके पीछे चलें उसके शब्दों को पहचानें मेरा मेरी भेड़ मेरा शब्द पहचानती हैं ये याद रखिए कि यहाँ पर रखा हुआ सब शब्द को पहचाने जिससे स्वर्ग में बैठा हमारा पिता वो महायाजक आनंदित और प्रसन्न हो और भी और भी ऐसे आपको मिलता जाए और वो मिलेगा कोई नहीं रो तो एक संकल्प आपको करना है उस पर परिश्रम करना है ये श्रापित पर, 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 परिश्रम जो पसीने बहाने वाला उससे पीछा छुड़ाना है तो कभी थकित नहीं होगे श्रमित नहीं होगे चाहे दौड़ो उड़ो हमेशा उसके साथ और कोई भी रोग इंक्यान कियानवे कहता है ना तेरे डेरे में कोई तीर कोई रोग कुछ नहीं चल सकता और आप दुष्ट पर दृष्टि करेंगे तो उस जगह पर नहीं पाएंगे जहाँ उसने दुष्टता की थी क्योंकि उल्टा फेरने वाला मैंने बता दिया है सदा आनंदित रहें वचन में